क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं और अपनी वीडियोस की ऑडियो क्वालिटी को एनहांस करने के लिए कोई बढ़िया से प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, बढ़िया से वायरलेस माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं, बट जब आप मार्केट में जाते हैं और आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि कोई भी माइक्रोफोन अच्छी क्वालिटी का आपको 10-20 हज़ार से कम नहीं मिलता है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल मिड रेंज माइक्रोफोन जो कि एग्जैक्ट आपको 10-20 हज़ार के माइक्रोफोन वाली क्वालिटी देने वाला है। ये आपके कैमरा में, DSLR में, फोन में, एंड्रॉयड में, iOS में, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, हर एक चीज पे कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो एंड शो यू दिस प्रोडक्ट। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको कैफेज, रेस्टोरेंट्स, खाने पीने की जगहें, घूमने फिरने की जगहें, सब कुछ मिलता है। पहले चेकआउट नहीं किया ये चैनल तो फटाफट से जाके चेकआउट करो। आई एम श्योर अगर आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली विजिट करने का सोच रहे हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। डिजिटेक DWM-101 वायरलेस माइक्रोफोन सिस्टम। इसके अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाती है, नॉइस रिडक्शन भी हो जाती है इसमें, और ये कनेक्ट हो जाता है आपके कैमरा, लैपटॉप, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन सब में। इसमें 360 डिग्री साउंड कैप्चर है, 100 मीटर्स की रेंज है और इसकी बैटरी 12 घंटे तक चल जाती है। मतलब आप 12 घंटे इस माइक्रोफोन को यूज़ कर सकते हो और ये बैटरी ख़त्म नहीं होगी। इसके बॉक्स से निकालते ही आपको एक हार्ट केस पाउच काइंड ऑफ मिल जाता है, तो इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। इसमें आपको एक बुकलेट भी मिल जाती है जिसके अंदर आप सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हो, और ये है बाकी सारी अटैचमेंट्स। इसमें आपको 2 विंड मफ्स मिल जाते हैं, 2 ईयरफोन मिल जाते हैं, चार्जिंग केबल है, बुकलेट तो हमने आपको दिखाई ही, और ये सारी हैं केबल्स। इसमें Type-C to Type-C केबल मिलती है, Type-C to Lightning केबल मिलती है, कैमरा के साथ अटैच होने वाली मिलती है और लैपटॉप डेस्कटॉप के साथ अटैच होने वाली मिलती है। और ये है द स्टार माइक्रोफोन। इसमें आपको 2 माइक्रोफोन्स और 1 रिसीवर मिल जाता है। अब आपको इन सारी अटैचमेंट्स का डिटेल में यूज किए किस काम आती है आखिर। सबसे पहले ये चार्जिंग केबल, ऑब्वियसली ये माइक्रोफोन को चार्ज करने के काम आती है, बट इसमें बेस्ट चीज ये है कि इसके अंदर आपको 2 पोर्ट्स गिवन है, मतलब आप दोनों माइक्रोफोन्स इकट्ठे चार्ज कर सकते हो। फिर आती है ये केबल्स जो बेसिकली आपके रिसीवर के साथ कनेक्ट होंगी और आपके फोन के साथ कनेक्ट होगी। तो इसमें आपको Type-C to Lightning वाली केबल मिल जाती है। लाइटनिंग ऑब्वियसली आईफोन के लिए यूज होता है तो ये आईफोन में भी कनेक्ट हो जाएगा। और एक आपको मिल जाती है Type-C to Type-C वाली केबल जिससे आप एंड्रॉइड फोन और आईफोन 15 में भी आजकल टाइप सी आ गया है तो उसमें भी कनेक्ट हो जाएगी है। बाकी केबल्स आपको DSLR के साथ कनेक्ट करने के लिए या फिर लैपटॉप और डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करने के लिए भी मिल जाती है। देन कम्स द ईयरफोन्स। अब इसके अंदर आपको 2 ईयरफोन्स गिवन है और मजे की बात यह है कि ये आपके माइक के साथ कनेक्ट हो जाएगी, तो जब आप अपने ईयर पे ये लगाओगे तो आप जो भी बोल रहे हो आपको कॉन्स्टेंटली सुनाई देगा। ये रिसीवर के साथ भी कनेक्ट हो जाती है तो जो भी शूट करता है वो भी पूरी तरह से सुन सकता है कि आप क्या बोल रहे हो। अब आपको दिखाते हैं इसका रिसीवर और माइक्रोफोन्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था, एक रिसीवर है, 2 माइक्रोफोन्स हैं। अब ये जो रिसीवर है इसके अंदर आपको बटन सारे एक्सप्लेन कर देते हैं। जो रिसीवर है उसके अंदर आपको 2 वॉल्यूम बटन मिल जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करने के लिए, इससे आप इंटरनल ऑडियोज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक बटन मिल जाता है जिससे लॉन्ग प्रेस करने से आप माइक्रोफोन ऑन ऑफ कर सकते हैं और सिंगल प्रेस से ये म्यूट अनम्यूट हो जाएगा। साइड में आपको 2 पोर्ट्स मिल जाते हैं, एक टाइप सी पोर्ट और एक 3.5mm पोर्ट। 3.5mm वाले पोर्ट में आप अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हैं और टाइप सी वाले पोर्ट में केबल कनेक्ट होगी। ये है माइक्रोफोन। इसके अंदर आपको ये क्लिप मिल जाता है जो कि आप अपने कॉलर पे अटैच कर सकते हैं। यही सेम क्लिप आपको रिसीवर में भी मिल जाता है। सबसे ऊपर जो आपको बटन देखने को मिलता है ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन ऑफ के लिए है। बीच में माइक्रोफोन है जहाँ से आवाज़ जाती है और इसके अंदर आप विंड मफ लगा सकते हो ताकि हवा की साउंड वगैरह ना आए। उसके साथ में आपको एक 3.5mm जैक मिल जाता है जिसमें आप अपने ईयरफोन्स कनेक्ट कर सकते हो। नीचे जो बटन दिया गया है वो अगेन लॉन्ग प्रेस करके ऑन ऑफ करने के काम आता है और सिंगल प्रेस पे आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं। साइड में टाइप सी पोर्ट दिया गया है जिसके थ्रू आप ये माइक्रोफोन चार्ज कर सकते हैं। दूसरा वाला माइक्रोफोन भी एग्जैक्ट ऐसा ही है। चलो अब आपको दिखाते हैं ये फोन्स में कनेक्ट करके। तो एक हमने ले लिया यहाँ पर एंड्रॉयड फोन और एक ले लिया आईफोन 14 प्लस। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं ये एंड्रॉयड में टाइप सी केबल लगा रही हूँ और यहाँ आईफोन में लगा रही हूँ लाइटनिंग केबल। तो ये आपका जो दूसरी साइड है इनकी, ये Type-C हैं, तो ये आपके कनेक्टर / रिसीवर / ट्रांसमीटर में कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे अब मैंने एंड्रॉयड में कनेक्ट कर लिया है, फिर यही सेम आपका आईफोन में भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से कैमरा और लैपटॉप डेस्कटॉप में भी आप कनेक्ट कर सकते हो।
अब आपको एक बार हम चार्जिंग केबल भी दोनों माइक्स में कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो ये हमने ले लिया चार्जिंग केबल और ये ले दोनों माइक्स, तो ये इकट्ठे इसमें कनेक्ट हो जाएंगे। एक मैंने इस माइक में कनेक्ट कर दिया है और एक मैंने दूसरे माइक में कनेक्ट कर दिया है, तो ये दोनों इकट्ठे चार्ज हो सकते हैं। बेस्ट चीज़ है ये, और ये वाला पॉइंट आप अपना अडैप्टर में लगा के आराम से चार्ज कर सकते हो। पावर बैंक में करना चाहते हो तो पावर बैंक में कर सकते हो। और ये चीज़ मुझे सबसे बेस्ट लगी है कि अलग अलग माइक चार्ज नहीं करने पड़ेंगे यार, एक ही बार दोनों हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाते हैं ईयरफोन्स कनेक्ट करके। तो ये मैंने माइक ले लिया और ईयरफोन्स ले लिया, तो माइक में यहाँ पर कनेक्ट कर लिए हैं, ईयरफोन्स लगा लिए हैं। और अब मैं लगा लेती हूँ इसको अपने कानों पे और ये माइक को कर लेती हूँ क्लिप अपने कॉलर पे। तो एकदम ये शूट वाला सेटअप मेरा रेडी हो चुका है। तो माइक के साथ मैंने ईयरफोन्स कनेक्ट कर लिया है, तो इसमें अब मैं माइक में कुछ भी बोलूँगी इवन विदाउट कनेक्टिंग द फोन ना, तभी भी मेरे को सुनाई देगा। माइक में जो भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे ईयरफोन्स में आवाज़ आएगी। आपको रिसीवर पे भी कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो ये मैंने रिसीवर पे लगा लिए ईयरफोन्स, और रिसीवर की खास बात ये है ना कि इससे अगर कोई शूट कर रहा है तो उसको दोनों माइक्रोफोन्स की आवाज़ आएगी। तो मतलब रिसीवर पे अगर लगाया और दोनों माइक्स ऑन है, दोनों में कोई ना कोई बोल रहा है, तो दोनों माइक्रोफोन्स की आवाज आएगी। अब वक्त आ चुका है माइक को अपने फोन से कनेक्ट करने का और टेस्ट करने का कि कैसी आ रही है इसकी ऑडियो क्वालिटी। तो मैंने यहाँ पर अपना फ़ोन ले लिया है, टाइप सी वाली केबल ले लिया क्योंकि मेरा आईफोन 15 है, तो टाइप सी मैंने अपने फ़ोन में भी कनेक्ट कर लिया और टाइप सी मैंने रिसीवर में भी कनेक्ट कर लिया। अब रिसीवर को ऑन कर लेते हैं। जैसे ये ग्रीन लाइट चल जाती है इसका मतलब है कि ऑन हो गया है। अगर हम इसको म्यूट करना चाहते हैं तो एक बार सिंगल प्रेस करेंगे तो एक लाइट रेड हो जाएगी, उसका मतलब है कि माइक्रोफोन म्यूट हो चुका है। तो इसको हम म्यूट ऑफ कर देते हैं। अब माइक्स भी ऑन कर लेते हैं। ये मैंने माइक ले लिया है, इसको ऑन करते हैं तो ग्रीन लाइट जल गई मतलब ये ऑन हो गया। नॉइस कैंसिलेशन ऑन करेंगे तो एक लाइट ब्लू हो जाएगी, मतलब नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुकी है। इसको ऑफ कर देते हैं। दूसरा माइक भी ऑन कर लेते हैं, ये भी ग्रीन लाइट हो गई है। इसको भी म्यूट करके देख लेते हैं, ये भी म्यूट हो जाता है रेड लाइट ऑन होके। नॉइस कैंसिलेशन ऑन कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें हमने चेक कर ली, ये एकदम परफेक्टली काम कर रही हैं। अब हम अपने माइक्रोफोन को भी रेडी कर लेते हैं। इसके ऊपर वो विंड माफ वो जो फरी फरी सा है बड़ा क्यूट सा वो लगा लेते हैं। तो ये बेसिकली जो बीच में जगह है ना इसके अंदर आपको ये लगाना है और इसको क्लॉक वाइज ट्विस्ट कर देना है ताकि वो फिक्स हो जाए। तो ये अब फिक्स हो चुका है और हम रेडी है इसको टेस्ट करने के लिए। सो फाइनली अब हम ये माइक टेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने ये फोम लगाया हुआ है, उतार के भी देख सकते हैं। और इसके अंदर पहले तो हम ट्राई करते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन ऑन करके कैसे आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी नॉइस कैंसिलेशन इसके ऑफ है। तो यहाँ से अगर मैं ये बटन है इसको अगर मैं दबा दूंगी तो ये ब्लू लाइट यहाँ पर जल जाएगी, जिसका मतलब है कि ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुकी है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि पहले जो थोड़ी सी भी बैकग्राउंड नॉइसेज आ रही थी अब वो बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। तो हम यहाँ जिस कैफे में बैठे हैं यहाँ पर लिटरली म्यूजिक चल रहा है, इतना शोर है, बट आई थिंक सो कि माइक में बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही होगी। इसको हम इनफैक्ट ये जो क्लिप है इसको हम यहाँ पर क्लिप भी कर सकते हैं अपने कॉलर पे। ये क्लिप है आप देख रहे हो, इसको मैं क्लिप कर रही हूँ, ये ऐसे करके हो गया है क्लिप। तो अब आवाज़ में कैसा फ़र्क आ रहा है ये अभी हम देखेंगे। और इसको अगर मैं चाहूँ ना तो इसको पूरा छुपा भी सकती हूँ, इसको उल्टा भी लगा सकते हैं हम, इनफैक्ट बाल भी आगे करके बिल्कुल छुपा सकते हैं। तो ये मैंने बाल आगे कर दिया, आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि माइक पहना है बट मैंने माइक लगाया हुआ है। अब क्या करते हैं एक बार इसका फोम जो है ये उतार के भी देख लेते हैं कि आवाज़ में कितना फ़र्क आ रहा है। तो ये मैंने उतार दिया है, अब देखते हैं। वैसे मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही माइक वाली, बट आवाज़ में देखते हैं कि कैसी इसकी क्वालिटी आ रही है। इनफैक्ट मुझे तो लग रहा है कि अब अगर हम इसको क्लिप करेंगे ना तो भाई साहब क्या ये बिल्कुल छुप नहीं, उल्टा लगाते हैं ताकि ये छुप जाए। अब तो भैया बिल्कुल ही मुझे लग रहा है कि छुप चुका है, आपको इतना सा भी नहीं दिख रहा होगा। वैसे मुझे इस साइड लगाना चाहिए क्योंकि मेरा ना इस साइड वाला पार्टीशन है, ये लगा देते हैं हम इस साइड वाले में और बाल आ जाएंगे आगे। अब ख़त्म काम, मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी शूट पे जाने के लिए और आपको पता भी नहीं चलने वाला है कि मैंने माइक पहना है। वाओ दिस इज़ सो अमेजिंग। इनफैक्ट इसमें ना म्यूट का भी ऑप्शन है, अगर हम नहीं चाहते कि हमें कोई आवाज़ चाहिए तो हम म्यूट भी कर सकते हैं। तो म्यूट होता है यहाँ से आई गेस, एक बार सिंगल
यार अब मुझे ना एक प्रॉब्लम लगी है इस माइक्रोफोन में, बट उसका भी हमने सोल्यूशन ढूंढ लिया है। तो ये बेसिकली ये प्रॉब्लम है कि ये जो कनेक्टर है ना, ये जो रिसीवर है, ये लटकता रहता है क्योंकि वायर से कनेक्ट होता है। तो अब फ़ोन आप शूट करोगे ये नीचे लटकता रहेगा, ये इतना इरिटेटिंग लग रहा था हमें। बट इसके लिए हमने ढूंढ लिया एक बहुत ही तगड़ा तगड़ा सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन है ये होल्डर। तो ये होल्डर बेसिकली आपके फ़ोन पे, जैसे आप फ़ोन को ट्राईपॉड पे कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही आप होल्डर पे कनेक्ट कर सकते हो फ़ोन। मतलब ऐसे इसको एक साइड से खींच के ये फ़ोन पे लग जाएगा, और जो रिसीवर है उसके अंदर भी क्लिप है। जैसे माइक्स में गिवन है ना आपको क्लिप, वैसे ही रिसीवर में भी क्लिप गिवन है। तो ये आप क्लिप कनेक्ट कर सकते हो वो होल्डर पे। तो क्या होगा, ये पूरा ऐसे सेटअप बन जाएगा। फिर अब हम ये कि वायर कनेक्ट कर लेते हैं फ़ोन पे, इसके साथ ईयरफोन्स भी लगा लेते हैं। और माइक तो मैंने अपने कॉलर पे लगाया हुआ है, ईयरफोन्स मैंने अपने कानों पे लगा लिया है, और अब मैं पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ इसको शूट करने के लिए। मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल वाला ही सेटअप लग रहा है। तो अगर आप भी ये होल्डर बाय करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका ऑर्डरिंग लिंक मिल जाएगा, ऑर्डर कर सकते हो। इस वीडियो में हमने जितने भी प्रोडक्ट्स मेंशन करे हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मेरी तरफ से तो मैं यही बोलूँगी कि ये डिजिटेक का माइक और साथ में ये होल्डर तो ज़रूर ज़रूर लेना, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी इससे। चलो आप कंपेयर करते हैं हमारे पुराने वाले माइक को नए वाले माइक से, कि क्या डिफरेंस है, आप कमेंट करके बताना हमें। ये हमारा मेट्रोनॉट वाला माइक है जो हम पहले यूज करते थे, तो अब आप सुन सकते हो कि इसकी ऑडियो कैसी आ रही है, और अब हम आपको दिखाते हैं कि वो वाले माइक की कैसी आ रही है। सो स्विचिंग ऑन टू दिस, अब ये हमने स्विच कर लिया इस वाले माइक्रोफोन में जो अभी हमने न्यू मंगवाया है, दैट इज डिजिटेक का। इसके अंदर अभी नॉइस कैंसिलेशन ऑन नहीं है। अगर मैं कर लेती हूँ एक बार ऑन, तो ये नॉइस कैंसिलेशन ऑन हो चुकी है। ये आप देख रहे हो जो हमने आपको पूरा माइक दिखाया डिजिटेक का, इसके अंदर कितनी सारी अटैचमेंट्स, इनफैक्ट पाउच, लीड, पता नहीं क्या क्या सारी चीज़ें आई हैं। मेट्रोनॉट वाले माइक में सिर्फ आपको ये कनेक्टर मिलता है और साथ में मिल जाता है ये दो माइक्स। तो ये माइक्स भी काफ़ी छोटे हैं, और मतलब क्वालिटी अब आप डिफरेंस देख ही सकते हो, वीडियो में आपको डिफरेंस दिख ही रहा है। जिस जगह पे हम ये वीडियो शूट कर रहे थे वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शोर आ रहा था, तो उस वजह से हमें ये पूरा डब करना पड़ा, और वो भी हमने इसी वाले माइक्रोफोन से किया है, डिजिटेक DWM-101 से। तो आप हमें फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ऑडियो क्वालिटी में आपको कितना ज़्यादा डिफरेंस लगा। यार अब ये माइक ले तो लिया है, बट इसके साथ जो ये पाउच आया है ना वो इतना बड़ा है, ना तो इसको हाथ में लेके घूम सकते हैं, ना इसको पॉकेट में डाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉकेट में आएगा ही नहीं। तो इसके लिए मैंने मंगवाया एक बहुत ज़्यादा सुंदर सा स्लिंग बैग, जो कि ये मैंने मंगवाया है जाउक से। ये ना बेसिकली इतना ज्यादा स्पेशियस, आप देख रहे हो इसके अंदर ये मेरा माइक, तो ये दो पार्टीशंस में है, तो एक माइक तो आ ही जाएगा इसके अंदर, प्लस यहाँ पे मेरे अपने शेड, सेल्फी, ये पावर बैंक, सेल्फी स्टिक सब कुछ रख लिया है, और इनफैक्ट बीच में ना जिपर भी है, तो इसके अंदर मैंने अपना फ़ोन रख लिया, तो अपने को फ़ोन भी कैरी करने की कोई चिंता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है ये। और बेस्ट चीज़ ये है, ये क्रुएल्टी फ्री है। तो इन्होंने ना बेसिकली ये पूरा जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है इसके अंदर, किसी भी एनिमल को हार्म करके यूज़ नहीं किया है। एक और जिपर है यहाँ पर, इसके अंदर कैश वगैरह रख सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इसका आप स्लिंग बैग देखोगे ना, एक साइड इधर है और एक साइड इधर है। ये है जाउक से मैंने मंगवाया है, और इसका जो है एग्जैक्ट प्रोडक्ट नेम है, दैट इज कश्मीरी ट्यूलिप्स एंड दिस इज स्लिंग बैग। तो ये कैरी करके बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है हर आउटफिट के साथ, इनफैक्ट ये मैच कर जाता है। और अगर आप मंगवाना चाहते हो, इसको ऑर्डर करना चाहते हो, तो जाकर आप इनकी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से जाके चेक करो। और अगर आप ऑर्डर करोगे मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ करोगे YTSIM10, तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। तो ये था डिजिटेक DWM-101 वायरलेस माइक्रोफोन फॉर यू। हमें तो सीरियसली इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है ये वाला माइक लेकर, क्योंकि हमें मिल चुका है बेस्ट वायरलेस माइक फॉर यूट्यूब वीडियोस। आप बताओ कि आपको ये कैसा लगा, और कब आप बाय करने वाले हो इसको। अगर बाय करना चाहते हो ऑर्डर कर लो फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और बाकी अब हम अपने घर जा रहे हैं, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू गिव इट अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।